सर्वोदय नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको विसर्ग संधि पढ़ाने जा रहा हूँ। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो विसर्ग के साथ, विसर्ग वर्णों के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनोहर हरह मनोहर। अब विसर्ग संधि का सूत्र नंबर एक है हसी च। यदि विसर्ग के पहले अ आए, अ स्वर रहे और बाद में किसी भी वर्ग के तृतीय यानी तीसरा चतुर्थ चौथा पंचम पांचवा वर्ण आए या य र ल व ह में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का उ होता है और उ अ अपने पूर्ववर्ती अ से मिलता है। जैसे देखिए उ प्लस उ ओ होता है। आपको मैंने स्वर संधि के गुण संधि में पढ़ाए थे कि अ के बाद उ आता है तो ओ होता है। तो यहाँ डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि आपको उलझन में ना पड़े कि विसर्ग का ओ हो जाता है। यहाँ रूप ब्रैकेट में दे दिया हूं लेकिन उ नहीं, बल्कि सीधे आप समझना है कि विसर्ग के बाद पहले यदि अ रहे और बाद में उ आए, ये किसी भी वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण या आए या यार ह में से कोई आए तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए मना मना में विसर्ग के पहले न में अ है तो उसके बाद यार र का र आया तो इसके बाद विसर्ग का ओ हो गया, मनोरथा हुआ। नियम नंबर दो है कि यदि विसर्ग के बाद यदि विसर्ग के बाद ज छ हो तो विसर्ग का तालव्य स होता है। जैसे निह जोर चय निश्चय, नी जोर छल नी जोर छल निश छल। देखिए बच्चों कहता है कि विसर्ग के बाद यदि च छ हो तो विसर्ग का तालव्य स होता है। जैसे यहाँ नी है तो विसर्ग के बाद च आया है तो यहाँ विसर्ग के स्थान पर तालव्य स हो गया निश्चय। विसर्ग के बाद छ आया है तो विसर्ग के स्थान पर यहां भी तालव्य स हो गया है। अब नियम नंबर तीन, वासरी। यदि विसर्ग के बाद बाद कोई स आए तो विसर्ग का वही स सकार होता है। जैसे कहते हैं कि विसर्ग के बाद यदि कोई स आए तो विसर्ग का वही स होता है जो बाद में स आता है। जैसे देखिए दुह जोर शासन, अब इसमें विसर्ग के बाद तालव्य स आया है तो विसर्ग का भी तालव्य स हो जाएगा
दुशासनः निजोर शब्द निजोर संदेह संदेह। अब यहां देखिए विसर्ग के दंश हो रहा है नी निसंदेह नियम नंबर चार नियम नंबर चार रोरी ड्रॉ रोपी उर्वश्य दीर्घोण पता है कि यदि विसर्ग के बाद र आए तो विसर्ग के पहले वाला ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है तथा विसर्ग का लोप हो जाता है जैसे देखिए निजोर रोग। अब इसमें नी में विसर्ग के पहले ह्रस्व और ई है तो ये ई को दीर्घ कर दिया जाएगा और विसर्ग का लोप कर दिया जाएगा तो नी रोग। ये ह्रस्व और यहां दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो गया और विसर्ग का लोप हो गया नी रोग। इसी तरह दुह जोर राजा दू राजा ये विसर्ग का ह्रस्व स्वर का दीर्घ स्वर हो गया। ये नियम नंबर चार हुआ। पांच में कहता है सस जुषो रूह कहता है यदि विसर्ग के पहले और या आ को छोड़कर कोई स्वर रहे तथा बाद में कोई स्वर हो या किसी भी वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हो तो विसर्ग का र
हो जाता है, हो जाता है। जैसे नी जोर झड़ा, देखिए बच्चों नी जोर झड़ा कहता है कि यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई स्वर रहे तथा बाद में कोई स्वर हो या किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हो तो विसर्ग का न हो जाता है। और जैसे देखिए नी जोर झड़ा, नी में विसर्ग के पहले ई स्वर है और बाद में चवर का चौथा वर्ण झ आ रहा है तो नी विसर्ग का, यहाँ विसर्ग का र हो जाता है। देखिए हो गया निर्झरा, निर्झरा। इसी तरह नी नी जोर जलम, निर्जलम विसर्ग का र हो गया। निज और उपाय निरुपाय विसर्ग का र हुआ। और आगे है सूत्र नंबर 6, कहता है अतो रो रप्लुता दप्लुते, अर्थात यदि विसर्ग के आगे पीछे अ आए तो विसर्ग एवं प्रथम अ मिलकर ओ हो जाता है तथा बाद वाला अ अर्ध एस का चिन्ह का रूप धारण कर लेता है। जैसे कह जोर आयम, यहाँ क में विसर्ग के पहले क में अ है उसके बाद अ है तो अ विसर्ग और प्रथम अ और विसर्ग मिलकर ओ हो जाता है और बाद वाला अ ये अर्ध अ का रूप धारण कर लेता है। कह जोर आयम कोयम। इसी तरह प्रथम जोर अध्याय, प्रथम जोर अध्याय, प्रथमोध्याय, प्रथमोध्याय। अब सूत्र नंबर 8 है में कहता है, 7 में कहता है कि यदि क ख के बाद, यदि विसर्ग के बाद क ख हो या प ख हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सूत्र नंबर 7 में कहा जाता है कि यदि विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे प्रातः जोर काल, प्रातः काल, प्रातः काल, ज्यों के त्यों लिखा जाता है प्रातः काल। सूत्र नंबर 8 में विसर्ज नियस्य, विसर्ज नीय स, विसर्ग के पहले यदि जिस विसर्ग, कहता है कि यदि जिस है जिस विसर्ग का स होता है उसे सत्व संधि कहते हैं। कहते हैं जैसे शिवा जोर तथा शिवस तथा ततः दे जोर ते ततस्ते। यहाँ देखिए जिस विसर्ग का स होता है उसे सत्व संधि कहते हैं। जैसे शिव तथा, शिव में विसर्ग है और उसके बाद तवर्ग आता है तो तवर्ग आने से दंत स हो जाता है, विसर्ग का दंत स हो जाता है। इसी तरह ततः जोड़ते ततस्ते। अब सूत्र नंबर 9,
बच्चों ये सूत्र नंबर 9 है ये दो पदस्य चा प्रत्यय। इसका अर्थ है कि यदि विसर्ग के पहले ई अथवा उ स्वर हो और बाद में क ख प फ हो तो विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाता है। जैसे नी जो फलम निष्फलम दो जोर काल दो जोर काल दुष्काल। बच्चों ये दो पदस्य चा प्रत्यय यह सूत्र बताता है कि यदि विसर्ग के पहले ई अथवा उ स्वर हो और बाद में क ख प फ हो तो विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाता है। जैसे नी जोर फलम निष्फलम नी में विसर्ग है विसर्ग के बाद फ है इसलिए फ है विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स हो गया है। उसी तरह दुह जोर काल दुष्काल में भी दुह जोर कृतम दुष्कृतम नी जोर काम निष्काम नी जोर कपटा निष्कपटा इस तरह से विसर्ग संधि पूरा हुआ। आप विसर्ग संधि का नियम को अपने अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे और याद करेंगे उससे संबंधित जो अभ्यास है आपको दिया जाएगा उस अभ्यास को बनाएंगे। धन्यवाद।